हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए बहुत ही कमाल का कंटेंट लेके आया हूँ। हम में से सभी ने कभी ना कभी सीडीज का इस्तेमाल किया है, पर सीडी हमेशा गोल ही आता है और हमने गोल ही इस्तेमाल किया है। आज हमने 5 सीडी लिया है और इन 5 सीडीज को हमने अलग अलग शेप में काट लिया है। तब हम इसे ट्राई करेंगे कि चलता है कि नहीं। मैंने कुछ VCDs लिया है, कुछ MP3 सीडी लिया है और कुछ सॉफ्टवेयर का सीडी लिया है। पहले हम इन सभी सीडीज को लैपटॉप पे टेस्ट कर लेते हैं कि ये सीडीज वाकई में वर्किंग कंडीशन में है कि नहीं। तो जैसे कि आप देख रहे हैं कि पहला सीडी मैंने लगाया है, ये परफेक्टली काम कर रहा है, सीडी में कोई भी स्क्रैच नहीं है। अभी हम दूसरा सीडी लगाते हैं, देखते हैं काम कर रहा है क्या। जी हाँ, ये सीडी भी ओपन हो रहा है, ये सीडी भी सही ढंग से काम कर रहा है। अब हम तीसरा सीडी लगा के चेक कर लेते हैं, ये VCD है। जी हाँ, ये VCD फाइल भी ओपन हो रहा है जैसा कि आप लोग देख रहे होंगे। देखिए, ये मूवी प्ले हो रहा है, ये CD भी एकदम ओके है। हम इसे भी ट्राई करेंगे। अब चौथा CD लगाते हैं जो कि MP3 है। जी हाँ, ये भी बहुत अच्छे ढंग से प्ले हो रहा है जैसा कि आप लोग देख रहे होंगे। अभी लास्ट बचा 5वां CD, ये भी लगा के चेक कर लेते हैं कि CD ओके है कि नहीं। जी हाँ, CD ओपन हो रहा है, इसमें सब MP3 फाइल्स हैं। हाँ जी, ये भी प्ले हो रहा है। तो चलिए देखते हैं। तो फ्रेंड्स, इन 5 सीरीज को हम अलग अलग शेप में काट लेंगे, फिर देखेंगे कि 5 सीरीज प्ले होता है कि नहीं। तो चलिए शुरू करते हैं। मैंने एंगल ग्राइंडर लिया है इस सीरीज को काटने के लिए। चलिए काटते हैं। ये सीरीज को काटने के लिए मुझे काफी मेहनत करनी पड़ी है। चलिए अब कुछ सीरीज में होल कर लेते हैं ड्रिल मशीन की मदद से। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं, इन 5 सीडीज को मैंने अलग अलग शेप में काट लिया है। मैंने 4 सीडीज को अलग अलग शेप में काट लिया है और एक सीडी में हर तरफ से होल कर दिया है। चलिए अब सब सीडीज को लगा के चेक करते हैं। सबसे पहले हम ये होल वाला सीडी को चेक करते हैं। काफी देर हो गया है, ये होल वाला सीडी को सीडी रोम का लेंस रीड नहीं कर पा रहा है। चलिए हम इसे निकाल लेते हैं। चलिए अब हम ये 3 साइड से कटा हुआ सीडी को लगाते हैं जो कि MP3 है। जी हाँ दोस्तों, जैसे कि आप लोग देख रहे होंगे कि ये फाइल ओपन हो रहा है और हम म्यूजिक प्ले करके चेक करते हैं। जी हाँ, म्यूजिक भी प्ले हो रहा है, मतलब ये 3 साइड से कटा हुआ सीडी काम कर रहा है और सारे ही सारे फाइल्स भी ओपन हो रहे हैं। इसे निकालते हैं। ये सीडी काम कर रहा है, इसको मैंने टिक मार्क लगा दिया है। अब ये 2 साइड से कटा हुआ VCD प्ले होता है कि नहीं, चलिए चेक करते हैं। जी हाँ, ये VCD फाइल भी ओपन हो रहा है। इस VCD के अंदर जो वीडियो फाइल है वो प्ले होता है कि नहीं, चेक करते हैं। जी हाँ, वीडियो फाइल भी ओपन हो रहा है, मतलब ये दो साइड से कटा हुआ VCD ये भी काम कर रहा है। चलिए इसे भी निकाल लेते हैं और इसमें भी टिक मार्क लगा देते हैं कि ये काम कर रहा है। और ये होल वाला CD काम नहीं किया, इसमें हम लोग क्रॉस कर देते हैं। चलिए अभी ये सबसे इंटरेस्टिंग स्क्वायर CD प्ले करके चेक करते हैं काम करता है कि नहीं।
जी हाँ फ्रेंड्स, ये भी ओपन हो गया, कमाल हो गया है। तो इसके भी सारे ही सारे फाइल्स ओपन हो रहे हैं। और म्यूजिक प्ले होता है क्या? जी हाँ, म्यूजिक भी प्ले हो रहा है। ये तो बड़ा ही आश्चर्यजनक बात है। मैंने अपनी लाइफ में फर्स्ट टाइम ऐसा देखा कि स्क्वायर सिटी प्ले हो रहा है। इसमें भी हम टिक मार्क कर देते हैं। अब ये बचा लास्ट सीडी, जिसे मैंने सिर्फ एक साइड से ही काटा है। इसमें मुझे डाउट है। जी हाँ, मेरा लैपटॉप भी वाइब्रेट कर रहा है। ये वाला सीडी प्ले नहीं हो रहा है, इसमें एरर दिखा दिया है। क्योंकि मैंने इसे एक साइड से ही काटा था, इसीलिए ये सीडी रोम के अंदर जाके वाइब्रेशन पैदा कर रहा है, क्योंकि एक साइड से कटा हुआ है। एक साइड से कटा होने के कारण ये सीडी रोम में जाके एक साइड से ज़्यादा लटक जा रहा है और डिसबैलेंस हो जा रहा है, जिसके कारण लैपटॉप में भी वाइब्रेशन पैदा हो रहा है और ये सीडी काम नहीं कर रहा है। तो फिर जैसा कि आपने देखा कि होल वाला सीडी काम नहीं किया, ये एक साइड से कटा हुआ सीडी भी काम नहीं किया, बट ये दो साइड से कटा हुआ, तीन साइड से कटा हुआ और ये स्क्वायर सीडी जो चार साइड से कटा हुआ है, ये बहुत अच्छे ढंग से काम किया है। हालांकि जहां से सीडी कटा हुआ है वहां का डेटा रीड नहीं हो पाएगा, फिर भी सीडीज काम तो किया, ये अपने आप में ही बहुत बड़ा आश्चर्य की बात है। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। अगले वीडियो में हम और कुछ इंटरेस्टिंग टॉपिक लेके आएंगे। वीडियो अगर पसंद आए तो एक लाइक तो बनता है ना।